दोस्तों, प्रशासन के तरफ से एकदम साफ कर दिया गया है कि जयगांव के भूटान गेट एनएस रोड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वेंडर्स की दुकान फुटपाथ या सड़क किनारे नहीं लगाया जाएगा। जेडीए प्रशासन द्वारा पहले ही चेतावनी के रूप में माइकिंग करके जानकारी साझा कर दी गई थी और इसके बाद अब जयगांव पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करना शुरू हो गया है। आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं दोस्तों। जयगांव के सड़कों के किनारे फुटपाथ के आसपास जो दुकानें स्टॉल लगा करती थी, चाहे चाय दुकान हो, चाहे छोटे मोटे दुकानदार हो, चाहे लॉटरी के दुकान हो, चाहे किसी भी प्रकार के फुटपाथ के आसपास दुकानें लगाई जाती थी जयगांव के मुख्य सड़क एनएस रोड पर, उन्हें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई करना शुरू कर दी है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग इस तरह की दुकानें ना लगाएं और सड़कों के किनारे इस तरह आप इलीगल तरीके से दखल ना करें। और काफ़ी बार देखा भी जा रहा है दोस्तों कि काफ़ी लोग जो हैं अब दुकानें लगाना बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस तरह से दुकानें लगा रहे हैं। आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये एकदम साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जयगांव के सड़कों के ऊपर एनएस रोड पे भूटान गेट के आसपास इस तरह की दुकानों पे कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी और इसी का एक झलक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पे जयगांव पुलिस प्रशासन द्वारा स्टॉल जो लोग दुकानें लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई निरंतर रूप से चल रहा है और सारा दिन चल रहा है और जहां जहां इस तरह से दुकानें देखी जा रही हैं उसे हटाने के लिए पुलिस प्रशासन रिक्वेस्ट कर रही है। अब ये देखना ये होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में किस तरह की जगहों की ये जो स्थिति देखी जा रही है फुटपाथ के वेंडर्स और हॉकर्स को लेकर आगे किस ओर बढ़ता है। फिलहाल के लिए आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रही है कि इस तरह की दुकानें जयगांव में लगाने नहीं दिया जाएगा।